सजीव विशेषताएं एवं आवास, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मेंढक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये 6th क्लास का है तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन वे में नहीं है, बट इससे आगे की क्लास जो होगा मतलब 7th 8th उसमें ज्यादा एक्सप्लेन है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। तो देखते हैं हम लोग आज की क्लास में मेंढक के बारे में। मेंढक को इंग्लिश में हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह जल एवं स्थल दोनों में निवास करता है। दोनों में क्या करता है? निवास करता है। इसके पश्चपाद मतलब पश्चपाद मतलब पीछे का पैर लंबे एवं स्ट्रांग होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद है इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होते हैं जो उन्हें स्विंग करने में हेल्प करती है करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हमारे शरीर में भोजन करने के उपरांत करने के उपरांत कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन
उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में हम लोग इमिशन इमिशंस कहते हैं, इमिशन कहते हैं। फिर सभी सजीव वस्तुएं एवं अपने परिवेश, अपने परिवेश में होने वाले चेंजेज होने वाले चेंजेज के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। क्या करती है? सभी वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले चेंजेस के प्रति अनुक्रिया दर्शाती। सजीव जंतु जो है, क्या होता है सजीव जंतु में? जंतु रिप्रोडक्शन द्वारा, जिसको हिंदी में हम लोग प्रजनन कहते हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं मतलब अलग अलग जंतु में प्रजनन करने की अलग अलग तरीके होते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन करने के ढंग अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे पक्षी हैं कि अंडा देते हैं, बहुत जानवर है कि ये मतलब डायरेक्ट उनका बच्चा ही उत्पन्न होता है। तो वही है कि जंतु रिप्रोडक्शन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतु मतलब अलग अलग जंतुओं में प्रजनन करने के ढंग अलग अलग होते हैं। अब पेड़ पौधा में भी है कि बहुत सारा बीज से होता है, और जैसे आलू को ले लीजिए, आलू में क्या होता है, उसके कलिका को काट के हम फिर से लगा सकते हैं, उसका भी बीज होता है, बट बीज का बहुत कम यूज होता है, लेकिन कलिका का यूज फ्रीक्वेंटली होता है। तो आज की क्लास में इतना ही है गाइस। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।